RRR बाय मनीषा जैन। RRR की वीडियो हुई रिलीज, क्या प्रतिक्रिया आई है वीडियो के लिए लोगों की तरफ से? बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजमौली की बहुत बड़ी प्रतीक्षित फिल्म RRR का हाल ही में मोशन पोस्टर जारी किया गया है। अब साउथ की सुपरस्टार रामचरण के जन्मदिन पर फिल्मी निर्माताओं ने उनका पहला लुक वीडियो रिलीज कर दिया है। यूट्यूब पर इस वीडियो का क्लिप ने धमाका मचा दिया। R3 के निर्माताओं ने एक स्पेशल वीडियो का अनावरण किया है, जिसमें अभिनेता के पहले लुक को दर्शकों के सामने पेश किया गया है। वहीं जूनियर NTR ने भी अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक विशेष मैसेज के द्वारा ये वीडियो साझा किया है। बता दें कि बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण DVV दानिया में किया गया। फिल्म 2020 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक है और यह फिल्म उद्योग के सबसे बड़ा कलाकार में शामिल है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका था और प्रशंसकों को बाहुबली के निर्देशक SS राजमौली की RRR की रिलीज का इंतजार है। फिल्म RRR में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। राजमौली ने इससे पहले मोशन पोस्टर जारी करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, पानी में आग लग जाती है, आग पानी को सोख लेता है और दो ताकतें #RRR के टाइटल लोगों को पेश करने के लिए उपार ऊर्जा के साथ आती है। यह फिल्म तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित है। 450 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इस पर लोगों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया आई। लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने #RRR को बरकरार रखते हुए मूवी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया। यह वीडियो में रामचरण का किरदार लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इससे पहले रिलीज हुए पोस्टर में जूनियर NTR के रोल को लेकर काफी सवाल उठे, जिसमें NTR को मुसलमानी टोपी में दिखाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद मामला संभल गया। अब इस वीडियो की अच्छी प्रतिक्रिया फिल्म के हिट होने की तरफ थोड़ा इशारा तो कर रही है। कैसी लगी आपको ये हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। ये लिखी है मनीषा जैन ने और इसको रिसाइट किया है प्रशांत ने। धन्यवाद।